पंचेतान सस्मरे नित्यम वेदवाणी प्रवर्तये। नमस्कार बंधुवर, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनकी एक रिक्वेस्ट है कि ऑरा स्कैनर को कैसे हम लोग उसे स्कैन करें, फोटो को स्कैन करने का तरीका क्या रहेगा और क्या सिस्टम है। तो आप ऐसे एक फोटो मंगा लीजिए अपने यजमान की और जिसको भी आप स्कैन करना चाहते हैं उनके एक फोटो मंगा लीजिए। फोटो आपकी जो है पूरी होनी चाहिए सिर से पैर तक, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, नंगे पैर खड़ी फोटो, स्टैंडिंग फोटोग्राफ, व्हाइट बैकग्राउंड, पीछे लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और कपड़े भी लाइट कलर के होने चाहिए, ब्लैक कलर के कपड़े अवॉइड करने। तो ये आपकी एक फोटो, आप किसी की भी आप फोटो मंगाते हैं, जैसे कि अभी ये जोधपुर से रजनी शर्मा जी का एक फोटोग्राफ हमारे पास आया है तो हमने इसका प्रिंट आउट निकाला, इसमें पूरी तस्वीर दिखनी चाहिए, चेहरा बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। उसके बाद फोटो को आप सामने रखते हैं और फोटो आपकी रूप तन्मात्रा है। हमारा जो शरीर है क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीर, हमारा जो शरीर बना है पांच तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो पृथ्वी की जो तन्मात्रा वो गंध है, इसलिए गंध पर भी प्रयोग हो सकता है। जल की तन्मात्रा रस है, इसलिए जो है सलेवा लेकर के उससे भी जो है रीडिंग होती है। और अग्नि की जो तन्मात्रा है वो रूप है, इसलिए हम फोटोग्राफ पे भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो वायु की तन्मात्रा वो स्पर्श है टच करके, जैसे टच थेरेपी आपने देखा है तो वो जो है स्पर्श तन्मात्रा पे काम करती है। और जो आकाश तत्व है उसकी तन्मात्रा है शब्द, तो शब्द माने साउंड के द्वारा भी जो है आप हील कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रूप तन्मात्रा को ही माध्यम बना रहे हैं। रूप तन्मात्रा से मतलब आपका फोटोग्राफ, आपका छाया चित्र, और उसमें हम आपकी चेतना का आह्वान करते हैं। जैसे एक सुपारी पे हम गणेश जी का आह्वान करते हैं तो वो जो गणेश की जो चेतना है, वो जो एनर्जी है डिवाइन एनर्जी, वो सुपारी में आती है, हम पूजा करते हैं और अपना कार्य सिद्ध करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस किसी व्यक्ति की भी आप स्कैनिंग कर रहे हैं, आप उसकी फोटो लेकर के आप उसकी चेतना का आह्वान कीजिए कि मैं उनकी चेतना को, जैसे यहाँ पर रजनी शर्मा है तो मैडम रजनी शर्मा की चेतना का मैं इसमें आह्वान करता हूँ कि वो हमारी स्कैनिंग तक हमारा साथ दे और यहाँ पर स्थिर रहे। चेतना जो है कॉन्शियस, ये कहीं भी मूव कर सकती है, ये कहीं भी बुलाई जा सकती है और उसी के माध्यम से आपकी रीडिंग होती है। तो अभी जैसे हमने ये फोटो ली, फोटो सामने रखी और जातक का नाम लेकर के और उसकी चेतना का, उसकी कॉन्शियस का आप आह्वान करते हैं। उसके बाद आप लेकर एंटीना का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नीचे स्कैनर है और ये हैंडल है, हैंडल को अच्छी तरह से प्लग करना होता है ताकि ये हिले नहीं, और ये आपका कर्सर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक तो ये चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूटी मीटर होता है, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स के कण है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप ये देखते हैं, जैसे यहां पर इस इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूटी जो है ये काम कर रहा है, तो ये एक तार आप यहां लगाते हैं, दूसरा तार यहां लगाते हैं, तो इसका मतलब ये जो है आपका ये सेंसर एक तरह से ये सेंस करता है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा जो है आप इसको 3.3 फ्रीक्वेंसी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जो इसकी प्रीवियस रीडिंग होती है उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं 3.3। इस प्रकार से हिला के इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके बाद आप इसको 2.5 फ्रीक्वेंसी से आप डाउजिंग कर सकते हैं, यानी चक्रास को स्कैन कर सकते हैं, और 17.6 से भी चक्रास को स्कैन कर सकते हैं, 12 फ्रीक्वेंसी से भी आप चक्रास को स्कैन कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर हम 2.5 फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, ह्यूमन सेल हार्मोनाइजेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि जो सेल्स हैं ये कितने हार्मोनाइज कर रहे हैं, कितना मैच कर रहे हैं, कितना रेजोनेंस कर रहे हैं। इसमें आप फिर एक लैंग्वेज इसके सेट कर लीजिए, पकड़ने का तरीका भी इसका आपका देख लीजिए, ऐसे होता है, इस तरीके से आप पकड़ते हैं और इसको बिल्कुल ऐसे इसके साथ निकालना, थोड़ा अलग रखना है, ये तरीका रहेगा आपका। अब आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आप लैंग्वेज चेक करते हैं, अब मन में बोलते हैं यस, तो यस में जो है आपका ये मूव कर जाता है नीचे की तरफ, ये यस हो गया। अब है नो, तो नो में ये नीचे की तरफ चला गया। तो अब इसी तरीके से चक्र स्कैन करेंगे, जो चक्र एक्टिवेटेड होगा
वो यस ऐसे बताएगा कि मेरी साइड डाउनवर्ड होगा, जो नो करना है वो नो जो है आपका बैक साइड में होगा। अब हम जो है जैसे रजनी शर्मा जी का स्कैन कर रहे हैं क्राउन चक्र, तो ये क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है, वेल एक्टिवेटेड। थर्ड आई आज्ञा चक्र ये एक्टिवेटेड है। विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र ये एक्टिवेटेड है। हार्ट चक्र अनाहत चक्र ये एक्टिवेटेड है। मणिपुर मणिपुर चक्र, अब आप ये देख रहे हैं यहां इसमें रिवर्स जा रहा है यानी सोलर प्लेक्सस, तो ये मणिपुर चक्र इनका डिस्टर्ब है। स्वाधिष्ठान चक्र सैक्रल, तो ये सैक्रल चक्र इनका ओके है, ये स्वाधिष्ठान है। रूट चक्र मूलाधार, मूलाधार इनका एक्टिवेटेड है। तो हम अलग से नोट कर लेते हैं कि इनका जो मणिपुर है सोलर प्लेक्सस है ये इनका ब्लॉक है या इसमें एनर्जी का फ्लो कम है। इसके अलावा 6.6 फ्रीक्वेंसी, ये हार्मफुल एनर्जी लेयर या फ्यूचर इलनेस भविष्य में होने वाली बीमारी उसका उसको इंडिकेट करता है। तो आप इस प्रकार एक बार फोटो में एंटीना को मूव करेंगे और देखेंगे कि किधर को मूव करता है। जस्ट टू फील इट, आपने सोचना कुछ नहीं है, इसको अपनी अपनी गति से चलने दो। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो एंटीना ये जो है हमारे अपोजिट में जा रहा है नीचे की तरफ, और ये नो की भाषा है। नो यानी देयर इज नो हार्मफुल एनर्जी लेयर, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी की कोई लेयर नहीं है, और ये अच्छा साइन है, ये अच्छा अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। तो इस तरीके से आप लेकर एंटीना से चक्राज स्कैनिंग कर सकते हैं, हार्मफुल एनर्जी का लेयर स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद हम बताते हैं ऑरा स्कैनर को कैसे प्रयोग करना है। अभी ऑरा स्कैनर है, इसको यूनिवर्सल थर्मल ऑरा स्कैनर भी कहते हैं। इसको हम स्विच ऑन कर देते हैं और इसमें हम सैंपल डालते हैं। सैंपल जिस चीज को आप रीड करना चाहते हैं उससे रिलेटेड वस्तुओं से बना हुआ ही सैंपल भी होता है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यहाँ पे काम कर रही है, और जो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है समान चीजों की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। अब हमारा ये स्कैनर है, अब आप इस स्कैनर को भी आप चेक कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूटी मीटर है, आप जो है इसमें ये चेक कर सकते हैं कि जैसे लाइट चल रही है तो ये लाइट मतलब यहाँ पे जो है ये काम कर रहा है स्कैनर। इसी तरीके से इसके नीचे भी ये स्कैनिंग पॉइंट होता है, तो ये आपका ठीक से काम कर रहा है। आप दोनों चीजों को चेक कर सकते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि ये ठीक से काम कर रहा है। अगर लाइट नहीं आ रही है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूटी है वो कहीं डिस्टर्ब हो रही है, तो वो कहीं स्कैन में भी डिस्टर्बेंस आएगी। किंतु अब स्कैन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी क्योंकि स्कैनर आपका रेडी है। आपने इसको लाइट ऑन किया दोनों, और इसमें हमने डाल दिया ऑरा का सैंपल। ऑरा कहते हैं बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, दिव्य कांति बल है, ये आपका सूक्ष्म शरीर है, ये जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा माना जाएगा, और ये जितना वीक होगा उतनी स्थिति क्रिटिकल हो जाती है आदमी की। ऑरा हमेशा अच्छा रहना चाहिए। अब ये एक तरह से प्रोग्रामिंग होती है, आप अगर इसको 180 डिग्री को 100% मानते हैं तो ये प्रोग्रामड हो गया, अब आपका 100% यहीं तक जाएगा। किंतु आप इसको प्रोग्राम ऐसे बनाइए 90 डिग्री मतलब 25%, 180 डिग्री 50%, 270 डिग्री 75% और 360 डिग्री 100%। तो ये क्या होगा, एक तरीके से आप ठीक ढंग से रीड कर पाएंगे। आप जैसा इसको प्रोग्राम देंगे वैसा ही ये मूव करता है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस लेवल पे ये सब एनर्जी का गेम है। ये जो सबकॉन्शियस लेवल की एनर्जी है उससे भी ये मोटिवेटेड होता है, प्रोग्राम्ड होता है। अब आपने जो है ऑरा स्कैन करना है और पैरामीटर आपको बता दिया है, तो आप क्या करेंगे, आपने सोचना कुछ नहीं है, जिस जाते की आप रीडिंग कर रहे हैं उसके अनाहत चक्र पे हार्ट चक्र पे आप स्कैनर को ले जाइए, और बिल्कुल शांत मन से बिना कुछ सोचे देखते रहिए क्या होता है। तो आपने देखा कि ये पूरा 360 डिग्री मूव कर गया है, इसका मतलब इनका जो ऑरा है वो परफेक्ट है, अच्छा ऑरा है। इसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट चेक करते जाइए, जैसे ये आपका सैंपल है माइनस एनर्जी मतलब नेगेटिविटी का। अब नेगेटिविटी इन थॉट एंड माइंड, अगर आपके थॉट में माइंड में नेगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, कहीं ना कहीं समस्या खड़ी होगी। अब आप स्कैनर को बीच में रखेंगे, देखेंगे कि ये स्कैनर कहाँ मूव कर रहा है।
अगर राइट को मूव करा तो नेगेटिविटी एग्जिस्ट, अगर लेफ्ट मूव करा तो नेगेटिविटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप देखेंगे कि नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो ये नेगेटिविटी खुलने का मतलब कि नेगेटिविटी तो है, इसका मतलब कहीं ना कहीं परेशानी है विचारों में और दिमाग में काफी गहरी उलझन है और इसको सुधारने की जरूरत है। तो बाद में फिर आप इसको ट्रीटमेंट बताएंगे लास्ट में कि इसको कैसे ठीक करना है। तो ये माइनस एनर्जी नेगेटिविटी ये एग्जिस्ट बता रहा है, यानी मौजूद बता रहा है। तो उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट को आप चेक करेंगे, ये आपका जो है यूवी माइनस अल्ट्रावायलेट माइनस, ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है जो आपके ग्रह नक्षत्रों से जो नकारात्मक किरणें आती हैं और जो द्यूलोक से आने वाले जो नकारात्मक किरणें होती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको हम मेजर करेंगे यूवी माइनस से अल्ट्रावायलेट माइनस। तो अब इसी तरीके से अल्ट्रावायलेट माइनस की को भी आप चेक करेंगे कि जातक के ऊपर ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर भी ये खुल रहा है, इसका मतलब यूवी माइनस अल्ट्रावायलेट माइनस एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका भी बाद में आप रेमेडी देंगे, यूवी माइनस ये एग्जिस्ट कर रही है आपकी, यस अल्ट्रावायलेट माइनस एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद दूसरी ये भी नेगेटिविटी है, ये आपकी आईआर माइनस है इंफ्रारेड माइनस। ये जो नेगेटिविटी है ये अर्थ से आने वाली है, मतलब पृथ्वी से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा, और जियोपैथिक स्ट्रेस जहां होता है वहां पर भी आईआर माइनस आ जाता है, क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस भी डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड अर्थ एनर्जी है और जहां होती है वहां पर भी आईआर माइनस इंडिकेट करता है। तो ये आईआर माइनस इंफ्रारेड माइनस नेगेटिविटी कमिंग फ्रॉम अर्थ। तो ये लेफ्ट मूवमेंट बता रहे हैं कि देयर इज नो नेगेटिविटी, आईआर माइनस इज नील और इट्स ए गुड थिंग आईआर माइनस नहीं है। अब ये ब्लैक मैजिक, बड़ा कॉमन शब्द है ब्लैक मैजिक, काला जादू। अब इसको अगर विज्ञान की भाषा में बोलेंगे तो मल्टीपल लेयर ऑफ नेगेटिव एनर्जी, मल्टीपल लेयर ऑफ नेगेटिव एनर्जी इज नोन एज ब्लैक मैजिक। अब ये काला जादू मतलब टोना टटका तंत्र मंत्र खिलाया पिलाया कराया, ये सब इसमें आ जाता है। तो जो नेगेटिविटी के जो मेजर होते हैं उन्हीं से ही ये ब्लैक मैजिक क्रिएट होता है। अब ये ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ये देखना है। तो ये आप लेफ्ट की मूवमेंट ये बता रही है कि देयर इज नो ब्लैक मैजिक, कोई काला जादू नहीं है और कोई मल्टीपल लेयर ऑफ नेगेटिव एनर्जी नहीं है। पितरी दोष, यदि आपके पितृपक्ष में मातृपक्ष में किसी की अनटाइमली डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई और उसको यदि ठीक से गति नहीं मिली तो ये पितृदोष आता है। उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं ऑरा से आवा मंडल से। तो यहाँ पर ये लेफ्ट मूवमेंट ये इंडिकेट करे कि देयर इज नो पितृदोष, यानी पितृ संबंधी कोई दोष नहीं है, और होता है तो फिर उसके लिए भी समाधान करना पड़ता है। एविल स्प्रिट, प्रेत बाधा, जाने अनजाने कहीं पैर पड़ जाए और कुछ ऐसे भूल चूक हो जाती है जिसकी वजह से प्रेत बाधा आती है। तो ये लेफ्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई प्रेत बाधा नहीं है, नो एविल स्प्रिट। नाग दोष या काल सर्प दोष, जन्मपत्री में राहु केतु के बीच में सभी तरह के सभी ग्रह आ जाते हैं, वो काल सर्प दोष कहलाता है। पूर्व जन्म में किया हुआ सर्पवध काल सर्प दोष के नाम से रिफ्लेक्ट होता है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि काल सर्प दोष भी नहीं आ रहा है क्योंकि लेफ्ट की मूवमेंट नो इंडिकेट करती है। अब हम अगले सब्जेक्ट पे चलेंगे। अब हम ऑरा स्कैनर से नव ग्रहों का रीडिंग कर रहे हैं कि ग्रह जो होते हैं हमारे जीवन में सुख और दुख के कारण बनते हैं। हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे और बुरे कर्म ही ग्रहों के रूप में हमारी जन्म पत्री के अंदर बैठते हैं। अब कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है, जो अशुभ है उसी का आपने उपचार करना है। तो अब हमने सन का सैंपल, सूर्य ग्रह का सैंपल स्कैनर में होल में, दोनों होल में सूर्य का सैंपल डाल दिया और हम चेक कर रहे हैं कि सूर्य कितना फेवरेबल है। तो ये राइट की मूवमेंट, इसका मतलब सूर्य जो है फेवर में है, यानी आपके अनुकूल है। चंद्रमा मनसो हो जाता, चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा कितना फेवर में है आपके। तो चंद्रमा भी आपके फेवर में है। तीसरा ग्रह मंगल, भ्रातृ कारक भी है और रक्त विकार चोट आदि का है,
मंगल से होता है यदि फेवर में ना हो तो। तो यहाँ मंगल आपके फेवर में है, ये आपका ठीक है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक भी है और व्यवसाय का कारक भी है। व्यापार व्यवसाय में अच्छी उन्नति के लिए बुध का अनुकूल होना बहुत जरूरी है। तो ये बुध ग्रह भी फेवर, इसकी अनुकूलता दिखा रहा है, बुध भी ठीक है। गुरु का संबंध ज्ञान से है, अध्यात्म से है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से है। तो गुरु भी आपका अनुकूल होना चाहिए। बृहस्पति, तो बृहस्पति भी आपके फेवर में है। शुक्र का संबंध स्त्री से, स्त्री सुख से। शुक्र का संबंध जो है पेशाब संबंधी रोगों से भी होता है, जिसका शुक्र फेवर में नहीं होता है उसको यूरिनरी डिसीज, पेशाब संबंधी रोग, डायबिटीज आदि हो जाते हैं। शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह भी फेवर में है। शनि, शनि दुख का कारक भी माना जाता है, शनि फेवर में होना चाहिए, नहीं तो जीवन में काफी दौड़ भाग करनी पड़ती है, काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो शनि ग्रह, तो शनि ग्रह भी फेवर में है। जप तप साधना दान यज्ञ इन क्रियाओं को करने से भी ग्रह आपके फेवर में जाते हैं। राहु ग्रह शैडो प्लेनेट है, छाया ग्रह है, तो ये भी आपका फेवर में। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ग्रह है, स्नायु तंत्र ठीक रहता है राहु ठीक हो तो। केतु, ये भी शैडो प्लेनेट है, मोक्ष का कारक भी माना जाता है, आध्यात्मिक उन्नति भी देता है केतु ग्रह। तो केतु ग्रह इनका लेफ्ट की मूवमेंट दिखा रहा है कि केतु ग्रह पर इनको फोकस करना है और केतु का उपाय करना है। केतु ग्रह का संबंध जो है आपके यूवी माइनस से भी मैच करता है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव का सैंपल लगाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कि किन चीजों से इनको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, क्या ये पहने। अब जैसे यदि हमको रुद्राक्ष, चार मुखी, छह मुखी और ब्लैक ट्रूमलिन के साथ अगर ये ताबीज बनाते हैं तो क्या ये इनके लिए पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो इसको हमने अलग कर दिया। इसी तरह से जैसे ये स्टोन है आपका एमेथिस्ट कटेला, शनि का रत्न नीलम कटेला नीली, क्या इनको फेवर करेगी, नो, तो ये कलर इनको, ये जो रत्न है ये फेवर नहीं करेंगे। ओपल शुक्र का रत्न होता है, हीरा ओपल जिरकन स्फटिक ये शुक्र के रत्न है, क्या ये फेवर करेंगे, ये शुक्र का रत्न भी इनको फेवर नहीं करेगा। मोती चंद्रमा का रत्न है, व्हाइट कलर का पर्ल, क्या ये इनको फेवर करेगा, तो ये मोती इनको फेवर करेगा। कितना फेवर करेगा आप परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको मोती जो है आपको फेवर करेगा, मोती को आप अलग रख सकते हैं। और मूंगा रेड कोरल का लाल रंग का पत्थर है मूंगा, क्या ये फेवर करेगा, यस फेवर करेगा। और कितना परसेंटेज फेवर करेगा, ये 50% फेवर करेगा, तो मूंगा भी ये पहन सकती है। और ये कॉम्बिनेशन भी होता है ग्रहों का, आपस में जो मित्र ग्रह होते हैं उन्हीं के रत्न भी आपस में मैच करते हैं। ये है आपका कैट्साई लसनिया, ये फेवर नहीं कर रहा है, लेफ्ट की मूवमेंट दिखा रहा है। ये आपका सुनेला है, गोल्डन टोपाज है, यानी गुरु का रत्न फेवर करेगा, यस। और कितना परसेंटेज फेवर करेगा इनको, 100% करेगा, यानी पीला रत्न, पीला नग, कुकराज या सुनेला ये फेवर करेगा इनको। ये गोमेद है, गौमूत्र के कलर का स्टोन होता है, राहु का रत्न होता है गोमेद, ये लेफ्ट मोमेंट फेवर नहीं दिखा रही है, ये फेवर नहीं करेगा। इसी तरह से ये ग्रीन कलर का स्टोन है तुरमली, जो कि पन्ने का उपरतन है, तो पन्ना तुरमली पेरीडॉट ये इनको फेवर करेंगे, ये नहीं फेवर करेंगे, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। इसके अलावा ये माणिक है, सूर्य रत्न रूबी इसको बोलते हैं, ये सूर्य का रत्न है, तो क्या इनको ये फेवर करेगा, नहीं, तो ये फेवर नहीं करेगा। तो अब ये जो है इनके तीन स्टोन बने, जैसे सुनेला मूंगा और मोती,
ये पुखराज मुंगर मोती, अब ये इनको स्टोन पहनाने हैं। अब हम इसमें क्या चेक करते हैं, ये स्टोन इनको डेफिनेटली बेनिफिट देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। किंतु अभी हमने क्या देखा था, मणिपुर चक्र इनका सोलर प्लेक्सस ये इनका डिस्टर्ब था। और सोलर प्लेक्सस का मतलब क्या होता है, सेंटर, सेंटर का मतलब पूरा आपका सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो रहा है, तो सेंटर आपका ठीक होना चाहिए। यानी मणिपुर यानी आपकी जठराग्नि बंद हो जाएगी, भूख कम लगेगी, खाना ठीक से हजम नहीं होगा, तो ये मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना, उसको जो है जागृत करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो मुख्य ग्रह है वो सूर्य ग्रह, देवता कौन है, सूर्य, मणिपुर चक्र के। मणिपुर चक्र तब जगता है जब सूर्य की आराधना की जाती है। आप सूर्य नमस्कार करिए, मानसिक गायत्री जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो सूर्य का बल बढ़ेगा। अब ये जो मणिपुर चक्र है इसकी पोजीशन को आप स्कैनर से मैं चेक कर रहा हूँ, अभी हमने लेकर एंटीना से चेक किया था। अभी मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस, तो आप ये देख रहे हैं कि स्कैनर कोई मूव नहीं कर रहा है, मतलब खुल ही नहीं रहा है, इसका मतलब मणिपुर चक्र में एनर्जी नहीं आ रही थी, इसलिए ये जो है एनर्जी नहीं दिखा रहा। आप यदि इनको एक पेंडल बना के जिसमें सुनेला हो 7 से 9 रत्ती का, मूंगा हो 7 से 9 रत्ती का, और मोती हो 7 से 9 रत्ती का, अगर इस तरह का ये पेंडल बना दिया जाए, जैसे अभी हमने इनकी फोटो पे छाया पे रखा, इनके रूप तन्मात्रा पे रखा, तो उसके बाद भी मणिपुर चक्र की पोजीशन क्या रहेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जाके ये मणिपुर चक्र जो है वही 45% पे, 45, 30, 35, 40, 45 के बीच में ये बिल्कुल बैलेंस्ड, यानी ये रेमेडी इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी कि इनको मूंगा, माणिक्य और सुनेला तीनों नग 7 रत्ती के वजन में, 7 21 रत्ती टोटल, और चांदी में या फिर गोल्ड में भी डाल सकते हैं, पर चांदी ही प्रीफर कीजिएगा क्योंकि मोती है यहाँ पे, तो चांदी में डालिए, उससे फर्क पड़ेगा। अब हम ये चेक करते हैं कि यूवी माइनस जो दिखा रहा था, क्या ये यूवी माइनस में भी कुछ फर्क डालेगा, तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि यूवी माइनस में इसका फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है इस रतन का, क्योंकि रतन के अंदर भी जो है ग्रहों की आभा होती है, रश्मि होती है, और वो बड़ा असर डालते हैं। तो यूवी माइनस का सैंपल डाल करके मैं ये देख रहा हूँ कि यूवी माइनस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो ये यूवी माइनस भी इनका हील हो रहा है, यानी अल्ट्रा वायलेट माइनस भी इनका हील हो जाएगा इस रतन को धारण करने से। फिर एक चीज हमने ये देखी थी इनमें नेगेटिविटी, तो अब ये नेगेटिविटी का सैंपल डाला था और ये खुल गया था, तो अब मैं दोबारा नेगेटिविटी का सैंपल डाल के फिर चेक कर रहा हूँ कि नेगेटिविटी कंट्रोल होती कि नहीं होती। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी ब्लॉक हो गया, यानी देयर इज नो नेगेटिविटी आफ्टर वियरिंग रेड कोरल, व्हाइट पर्ल एंड गोल्डन टोपास, वेट मिनिमम 7 to 9 रत्ती इन सिल्वर पेंडल। तो ये आप देख लीजिएगा, ये इनकी रेमेडी हुई है, तीनों चीजें इनकी इससे करेक्ट हो रही है, मणिपुर चक्र, इसके अलावा नेगेटिविटी, यूवी माइनस। अब रह गया केतु ग्रह, तो केतु ग्रह हील नहीं होगा, केतु के लिए इनको उपाय ही करना पड़ेगा। तो केतु के लिए बहुत से ऐसे उपाय हैं जो बहुत ही कारगर होते हैं, जैसे कि केतु के लिए सतनजा ले लीजिए, सतनजा 7 तरह का अनाज, उसमें गेहूं है, चना है, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, धुली मूंग, इस तरह से 7 अनाज ले लीजिए, सतनजा उसको बोलते हैं, और 4 मुट्ठी रोज आपने पक्षियों को डालना है, 4 मुट्ठी रोज आपको पक्षियों को डालना है, ओम केम केतवे नमः बोलते हुए, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इसको बोलते जाइए, और 4 मुट्ठी सतनजा पक्षियों को डालिए, और शुरू करिए बुधवार से, और इसको तब तक डालिए जब तक आपके वजन बराबर सतनजा निकल ना जाए। यदि मान लो आपका वजन 60 kg है तो 10 किलो सतनजा लीजिए, बुधवार से शुरू करिए, पक्षियों को डालते जाइए, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, और जिस दिन 60 किलो कवर हो जाए उस दिन ये उपाय बंद कर दीजिए, तो ये आपका केतु ग्रह पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगा और इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। और यदि कोई सवाल होते हैं व्यक्ति के, तो वो भी आप जो है थर्ड आई के सैंपल के द्वारा उनका आप जवाब दे सकते हैं। उसके लिए आप जो है थर्ड आई का सैंपल जो है डालेंगे इसके अंदर में, जैसे इनका एक सवाल है, तो आप उस सवाल को
थर्ड आई के सैंपल के द्वारा बता सकते हैं। जहां तक कोई पूछता है कि क्या मेरे जीवन में संतान का सुख है, सवाल ये कि क्या इनके जीवन में संतान का सुख है, तो यहां पे जो है ये नो दिखा रहा है, संतान का सुख नहीं है। तो अगर संतान का सुख नहीं है तो फिर उपाय करना भी व्यर्थ है। यदि इसके अंदर बताता है संतान का सुख है तो तब आप संतान गोपाल जाप या रुद्राभिषेक वगैरह जो भी आपके पास सटीक उपाय है वो आप कराइए, नहीं तो फिर वो उपाय भी व्यर्थ जाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए प्रारब्ध के कारण जो कुछ भी तय है उसको आप स्वीकार कीजिए और जितना आप अच्छा बना सकते हैं अपने को उतना अपने को अच्छा बनाइए, जो भी उपलब्ध उपाय है। शुभम भवतु कल्याणम।